हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम बनाते हैं अपने लिए डिनर की थाली। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ यह मटर आलू की सब्जी, जो कि कम तेल और कम मसालों में बनी हुई है और बहुत ही खाने में अच्छी लगती है। जितनी भी चीज़ें कम मसाले में बनी होती हैं तो उन्हें हम ज़्यादा खा भी सकते हैं और वो अच्छी भी लगती हैं। तो मटर आलू के लिए मैंने मटर वो भिगो के रख दिए हैं, और ये मैंने दो आलू लिए हैं। आलूओं को छील के काट लिया है और धुल के रख दिया है। अब क्या करेंगे, मैंने दो टमाटर लिए थे, उन टमाटरों को मैंने पीसा नहीं है, मैंने कद्दूकस किया है, आप देख सकते हैं ऐसे। उससे उसका ना छिलका बहुत अच्छे से निकल जाता है। और उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ी सी सर्दी है और इससे अदरक का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही अच्छा आता है, तो मैंने यहाँ पर ये थोड़ी सी अदरक ली है, उसको लंबे स्लाइस में काट लिया है। और इसी के साथ मैंने ज़्यादा प्याज नहीं लिया, सिर्फ आधा प्याज लिया है। आपका छोटा तो एक लेना, बड़ा हो तो आधा। और उसको क्या करेंगे, हम ज़्यादा बारीक बारीक नहीं काटेंगे, ना ही ज़्यादा बहुत बड़ा काटेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कितना काटा है, तो आप उसको उस साइज़ में काट लीजिएगा। और यहाँ मसाले में मैंने वही नॉर्मल अपना जो होता है हमारा, हल्दी, धनिया और ये मिर्च मैंने ले लिया, और इसको पानी से भिगो करके रख देंगे। तो देखिए हमारी जो भी सब्जी में लगने वाले मसाले हैं वो हमने अपना तैयार करके रख लिया है। यहाँ हरी मिर्ची और तेज़पत्ता रखा है एक। तो चलिए आप करते हैं अपनी सब्जी की शुरुआत। तो मैंने यहाँ कढ़ाई में लिया था तेल। तेल में सबसे पहले डालेंगे जीरा, उसके बाद डाल देंगे अपनी हींग, और हींग होने के बाद में डाल देंगे तेज़पत्ता और अपने जो काटे थे अपने अदरक की स्लाइस में, उन्हें थोड़ी देर तक के लिए भूंजेंगे, क्योंकि जो भून जाती है ना अदरक, तो उसका टेस्ट सब्जी में जब खाते हैं बहुत अच्छा आता है। उसके बाद जो हमने अपनी हरी मिर्च और ये प्याज के भी छोटा मीडियम में काटा था उसको लेके भूंजेंगे। इसको बता दूँ मैं एक चीज़ कि इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं भूंजेंगे, इससे थोड़ी सी जब प्याज की मिठास होती है ना, मीठापन होता है ये सब्जी में, जब मटर में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसे हम थोड़ी देर तक चलाएंगे, बस इतना ही इसे भूनेंगे, बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, हमने जो अपना मसाला लिया था उस मसाले को सब्जी में डाल देंगे और फिर इसे लगातार चलाएँगे, और तब तक चलाएंगे और भूनेंगे जब तक कि इसका जो मसाला है इस तरीके से तेल ना छोड़ने लगे। ये देखिए इसने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, और अब अपने इसमें डाल देंगे आलू जो अपने धुल के रखे थे खाते थे। और क्या करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से इसको भूनेंगे। आलू को क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा भूनेंगे मसाले में, इसलिए मसाले में भून जाएंगे तो अच्छे लगेंगे, ऐसे तेल छोड़ने लगता है। इसके बाद हम अपनी मटर डाल देंगे, मटर को भी मसाले के साथ अच्छे मिक्स करेंगे आलू के साथ। और एक चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने टमाटर नहीं डाला है, मैं टमाटर सबके लास्ट में डालूँगी। आप एक बार इस तरीके की सब्ज़ी बना के देखिएगा, आपके यहाँ पे सभी को बहुत पसंद आएगी। तो मैंने यहाँ मिक्स कर दिया है, उसके बाद मैंने थोड़ी सी रेड मिर्च डाली थी, और उसी के बाद मैंने अपना नमक डाल दिया है, जितना भी इसके यहाँ खाया जाता हो उतना डालें। और इसे फिर से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में इसमें हम जितनी भी आप ग्रेवी रखें, लेकिन ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें। मुश्किल से मैंने डाला होगा डेढ़ गिलास तक मैंने इसमें पानी डाला है। और इसे चला के क्या करेंगे, हम लोग इसे ढक देंगे। और मैं आगे बना रही हूँ चुकंदर का रायता, दही में बना रही हूँ मैं इसे, मठे में नहीं बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ये हाफ आधा चुकंदर, बहुत ज़्यादा नहीं चुकंदर डालते हैं, चुकंदर लिया है। इसको मैंने पीसा नहीं, पीसने से स्वाद अच्छा नहीं आता। इसको भी मैंने कद्दूकस करके, देखिए इसका कलर ही इतना अच्छा लगता है कि क्या बताएं। मेरे यहाँ पर तो मुझे खास करके इसका बहुत ही अच्छा लगता है, और ये चावल के साथ तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने यहाँ तड़के के लिए ऑयल गर्म कर लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद में हम डालेंगे इसमें अपना सबसे पहले जीरा,
जीरा जब भून जाएगा तो उसके बाद उसमें डाल देंगे हींग, और हींग के भूनने के बाद में अपने डालेंगे सरसों, जो खाने वाली सरसों होती है उसको। आपके पास अगर यहाँ कड़ी पत्ता हो तो कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। और ये देखिए हमारा जो तड़का है वो कितने अच्छे से भून गया है। ऐसे अब हम अपने तड़के को लगाएंगे। इसका कलर बहुत कोई देख के बता नहीं सकता, इतना अच्छा लगता है। इस तड़के को हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे। और अब देखिए इसे क्या करेंगे, धनिया से, आप अगर आपके यहाँ हरी धनिया खाई जाती है तो हरी धनिया से गार्निश करके इसे, इसमें हम डाल देंगे अपना नमक। नमक और नमक डालने के बाद में क्या करेंगे, हम इसे कर देंगे मिक्स। तब तक मैं आपको इसका लुक दिखा दूं, ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसका जो कलर ही है, कहते हैं ना हमारा खाना दिखने में जब चीज़ अच्छी लगती है तो खाने में भी बड़ा टेस्ट आता है, तो वैसे ही ये भी है। देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं। रेसिपी आप लोग एक बार बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है ये चुकंदर का रायता। इसके बाद हम इसे कर देंगे अपना मिक्स। आप इसे जिसे जिसके भी साथ चाहें, कचौड़ी, पराठा, किसी के भी साथ चाहें उसके साथ खा सकते हैं। आप देख सकते हैं दही में मैंने बनाया है, आप जब एक बार इसे मेरी तरफ से प्लीज ट्राई करके जरूर देखें। उसके बाद हम अपनी सब्जी देख लेते हैं। ये हमारी सब्जी जो है पक गई है, आधी पकनी चाहिए। अभी मैं आपको एक आलू का टुकड़ा दिखाती हूँ कि कितना होना चाहिए। ये देखिए आलू को मैंने तोड़ा, अभी अच्छे से तुरंत रखने पर नहीं टूट रहा है, थोड़ा सा देर में टूटा। बस इसी टाइम पे हम क्या करेंगे, अपने जो कद्दूकस किए हुए टमाटर थे उनको इसमें डाल देंगे और फिर अच्छे से कर देंगे मिक्स। एक बार ये सब्जी बना के दीजिए, देखिएगा आप लोग। टमाटर को ना सबसे बाद में डालिएगा और दो मिनट के लिए ढका देंगे। तो दो मिनट मेरे हो चुके थे तो मैंने ये देखिए अब सब्जी हमारी तैयार है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे आलू है ना इनको इसी कंची से दबा दबा के इसकी जो ग्रेवी है ना वो गाढ़ी हो जाती है, इससे इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। ये आलू देख रहे हैं आप, रखने से ही कितने जल्दी तुरंत फूट रहे हैं। बस इसी तरीके से इसको मैश कर देंगे। और ये आप कढ़ाई में ही काम करें, इसको किसी बर्तन में निकालने के बाद ना करें। कढ़ाई में बहुत अच्छे से साथ में हो जाएगा, मिक्स भी हो जाएगा अच्छे से। और बस इसे धनिया के साथ गार्निश करें। और ये देखिए हमारी सब्जी तैयार है। आज का मेरा ये डिनर है, ये आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और एक बार आप भी ये सारी चीज़ें बना के देखिए और खाइए। अगर अच्छा ना लगे तो आप लाइक मत कीजिए, जब अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा। तो आप वीडियो देख लीजिए कैसी लगी मेरी वीडियो, दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय।